इस वीडियो में मैं लाइटरूम की ऐसी 5 सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो अगर आपको पता चल जाए ना तो आप फोटो एडिटिंग में तो एकदम तबाही मचा सकते हैं। सो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आजकल ना बहुत नेक्स्ट लेवल की फोटोग्राफी हो रही है, एंड उस नेक्स्ट लेवल को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए काफी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं हमारे फोटो को एडिट करने के लिए। एंड ऐसे में ना हमारे बहुत नेक्स्ट लेवल के एडिटर भी हैं जो हमारे फोटोशॉप एप्लीकेशन को यूज कर अपने पीसी में फोटो को बहुत अच्छे अच्छे एडिट कर लेते हैं। बट इस अपग्रेड जमाने में कुछ कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो अपने सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन को यूज कर काफी अच्छे अच्छे फोटो को एडिट कर लेते हैं, एंड तुम्हारा भाई भी उसी में से एक है। मैं पर्सनली आपको बताऊं कि मैं लाइटरूम एप्लीकेशन को पिछले 2 साल से यूज करता हुआ आ रहा हूं, एंड इन 2 साल में मुझे लाइटरूम के अंदर ऐसी 5 सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में पता चला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एंड वो 5 सीक्रेट ट्रिक एकदम नेक्स्ट लेवल पर है, जो आपके एडिटिंग के फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। सो वीडियो को तो पूरा ही देखना, एंड इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो कर देना लाइक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी वर्ड्स चले करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, ट्रिक नंबर 1 है ऑटो प्रीसेट, एंड ये ट्रिक उन भाइयों के लिए जिनसे लाइटरूम एप्लीकेशन यूज करना नहीं आता एंड जो अभी बिगनर हैं एडिटिंग के लिए, तो ये ट्रिक उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज में आने वाली है। मतलब ये मान लो कि इस ट्रिक का यूज करके आप लाइटरूम एप्लीकेशन में ऑटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो सिंपली से आपको क्या करना है, जैसे आप लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लाइब्रेरी, शेयर, लर्न एंड डिस्कवर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली से आपको इधर डिस्कवर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिस्कवर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से फॉर यू न्यू एंड फॉलोइंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फॉर यू पर बहुत सारे प्रीसेट आएंगे, बट मेरे पास नहीं आ रहे, पता नहीं शायद नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर न्यू पर आ जाएंगे आपको काफ़ी सारे प्रीसेट। एंड जो प्रीसेट आपके फोटो के हिसाब से है वही प्रीसेट को आपको यूज़ कर लेना है। जहाँ जितना स्क्रॉल करोगे आप इतना कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये इन लड़की का, मतलब इनको समझ जा यार कोई भी है, इनका मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर इन्होंने ब्राउन टोन को डाला है। एंड गाइज, आपका कुछ इस टाइप का फोटो तो आप तभी उस वाले प्रीसेट को अप्लाई करें। या सिंपली से नीचे को एडिट पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये बता देगा कलर मिक्स कितना करना है आपको, पूरा एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, वाइट, ब्लैक। मतलब ये यहाँ पर आप एडिटिंग को भी सीख सकते हैं क्या क्या चीज़ें करी हैं। एंड यहाँ पर आप सेव एज अ प्रीसेट कर इसे सेव कर सकते हैं। एंड गाइस, इस प्रीसेट को मैं अपने एक फोटो में यूज़ करके बताता हूँ। तो भाई जैसे ये इन वाले भाई साहब का उस टाइप का फोटो है, तो उस टाइप के फोटो के लिए हमने प्रीसेट को तो सेव कर लिया। अब वो प्रीसेट मिलेगा कहाँ से, सिंपली से जहाँ पर आप यहाँ पर ये क्लिक करोगे यहाँ पर प्रीसेट लिख आ जाएगा, तो इस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिकमेंडेड प्राइमर एंड योर पर क्लिक करें। आप सिंपली से योर पर क्लिक करें, योर पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आ जाए, आई मीन सबसे ऊपर, ऊपर आने के बाद सेव फ्रॉम डिस्कवर पर क्लिक कर दें। एंड यहाँ पर आपको मैंने ये वाले सेट को सेव कर रखा है, तो यहाँ पर इसका वो देखो, आई मीन रिजल्ट। अब रिजल्ट देखने के बाद अगर आपको थोड़ी बहुत भी इसमें मिस्टेक लग रही है, जैसे यहाँ पर मुझे पूरा इधर येलो करना है, तो इधर येलो पर क्लिक करके इसकी हल्की सिचुएशन हम माइनस करेंगे तो वही ब्राउन टोन में आ जाएगा। एंड गाइस, अगर आपकी थोड़ी बहुत स्किन ब्लैक कर दी है इसने या फिर कुछ भी इफेक्ट आ चुका है, तो आप इससे थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यार आपके फोटो के हिसाब से पूरा 100% कोई भी चीज़ ठीक नहीं बैठती है। सो गाइस, यही थी वो ट्रिक। सो भाई, ट्रिक नंबर 2 उन भाइयों के लिए जो पहले से ही ऑलरेडी एक एडिटिंग की इंडस्ट्री में है, मतलब थोड़ा बहुत एडिटिंग को जानते हैं। अगर आप थोड़े बहुत भी एडिटिंग को जान लो तो आपको पता होगा कि हमारे फोटो एडिटिंग के लिए जो सबसे बेस्ट सेटिंग होती है फोटो की, वो होती है रो सेटिंग। एंड रो सेटिंग में जो फोटो क्लिक होते हैं वो होते हैं ज़्यादातर DSLR से। बट इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप लाइटरूम एप्लीकेशन का यूज़ कर एक रो सेटिंग में फोटो को कैसे क्लिक कर सकते हैं। हाँ, लाइटरूम से ही हम फोटो को क्लिक करेंगे। सो गाइस, जैसे यहाँ पर आप लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो सिंपली से आपको नीचे यहाँ पर एक ऐड फोटो का ऑप्शन आता है, एंड यहाँ पर आता है एक कैमरे का। मुझे बताया आप यहाँ पर जब भी आए होगे इसे कैमरे के ऑप्शन को आपने इग्नोर किया होगा, बट ये बहुत काम की चीज़ है। जैसे ही आप इधर कैमरे पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके कुछ परमिशन मांगी जाएंगी, इसे आप अलाउ कर देना। मैंने इसे ऑलरेडी ओपन कर लिया है इसलिए मेरे पास ये कुछ परमिशन नहीं मांगी गई। एंड जैसे ही आप इसे ओपन करोगे यहाँ पर आपको इतनी सारी सेटिंग्स नीचे दिख जाएंगी। यहाँ पर आप ऑटो पर क्लिक करोगे तो
ऑटो, प्रोफेशनल एंड एचडीआर, यहाँ पर तीन सेटिंग मिलेंगी। सिंपली से पहले मैं आपको ऑटोमेटिक का बता दूं, ऑटोमेटिक में ये लाइटरूम एप्लीकेशन सब कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा कि कितना हमें एक्सपोजर रखना है, कितना हमें अपर्चर रखना है एंड कितनी हमें शटर स्पीड रखनी है। किसी भी एंगल से कर लो, यहाँ पर ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। एंड यहाँ पर आप इसका एक्सपोजर भी लॉक कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे कुछ भी लॉक करो, आप पहले ऑन कर लो इसे, कुछ भी लाइटिंग को ऐसे इसे टैप करो एंड यहाँ पर एक्सपोजर लॉक पर क्लिक करो, आप किधर भी ले जाएं यहाँ पर इसका एक्सपोजर इतना ही रहेगा। अब यहाँ पर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, ये सिर्फ ऑटोमेटिक में ही फ्यूचर है। अब दूसरे की बात करते हैं हम प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल में होता है क्या, यहाँ पर हम अपने हिसाब से शटर स्पीड, आईएसओ एंड वाइड विलेंस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने शटर स्पीड इतनी कर रखी है, आप इतनी कम, ज़्यादा, कितने भी कर सकते हैं इसे। आईएसओ आप कितने भी कर सकते हैं आगे पीछे, एंड इसका वाइड विलेंस को आप रख सकते हैं। आपको डे लाइट में रखना है, क्लाउडी रखना है, कुछ भी रख सकते हो आप यहाँ पर। मुझे पता है इतने प्रोफेशनली मैं इतना नहीं जानता हूँ, मतलब जानता तो हूँ बट मैं यहाँ पर वीडियो में जल्दी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इतना करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ इसका HDR लुक। HDR में आप जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पर ये रो सेटिंग में लग जाएगा। मतलब अगर आपको अपने फोटो को रो सेटिंग में क्लिक करना है तो आप यहाँ पर HDR पर क्लिक करें एंड ये इसमें थोड़ी बहुत भी आप सेटिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 3:2 पे आप क्लिक करोगे तो इसका आप पहले साइज सेलेक्ट कर लो, 4:5 में क्लिक करना है, 3:2 में क्लिक करना है, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बट इंस्टाग्राम को जो साइज होता है वो होता है 3:4:3, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें एंड यहाँ पर आप इधर इसकी ग्राइड में भी क्लिक कर सकते हैं। आप किस तरीके से ऊपर नीचे ग्राइड में आप प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। बाकी मैं इतना जो आप इसके अंदर जितना घुसोगे वो बहुत सारे फीचर हैं, फिलहाल इतने ही आपके काम के, मैंने इतने बता दिए। आप इस तरीके से नीचे को अप करके इसे यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। सो गाइस, ट्रिक नंबर 3 उन भाइयों के लिए जिन्होंने अपने फोटो को जल्दबाजी में क्लिक किया है एंड उसने उस टाइम आपके कैमरे का जो एंगल है वो टेढ़ा हो चुका है, मतलब आपके फोटो का जो एंगल है वो टेढ़ा है एंड इस टाइम आप लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट करने के बाद आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि यार कौन सा एंगल हमारे फोटो के लिए बेस्ट है, तो वो चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पर लाइटरूम में मिल जाता है आपको। इधर यहाँ पर जो ऑप्शन जब आ रहा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा आपके फोटो का सबसे बेस्ट एंगल। जैसे मेरे फोटो का सबसे बेस्ट एंगल ये है, तो आप इस तरीके से जूम वगैरह करके आप, अगर आपके फोटो जूम होने के लिए हैं तो आप जूम वगैरह करके इस तरीके का आप अपने फोटो का एकदम एक्यूरेट जो एंगल है वो क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, ट्रिक नंबर 4 है ऐड PNG। जी हाँ, सही सुन रहे हो, हम लाइटरूम एप्लीकेशन में भी PNG को ऐड कर सकते हैं। वो कैसे है, वीडियो को आगे देखो। सिंपली से आपको इधर शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट एज का। एक्सपोर्ट एज पर आप जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पर इंक्लूड वाटरमार्क पर आपको ऑप्शन को इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमाइज पर चले जाना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक PNG को ऐड कर रखा है बट मैं आपको दोबारा एक PNG को ऐड करना बताऊँगा। यहाँ पर ये दिक्कत आती है, एक बार जिस PNG को हम ऐड कर लें वो यहाँ से रिमूव नहीं होती बट उसकी जगह आप दोबारा PNG को यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंपली से इधर आइकन पर मैं क्लिक करूँगा प्लस वाले पर एंड मैं दोबारा इस लाइन की PNG को ऐड कर लूँगा। लाइन की PNG को आप जैसे ऐड करोगे कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप साइज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को एंड यहाँ पर आपको इसके किधर किस साइड आपको रखना है। सिंपली से हमें इस साइड इधर ऐसे रखना है कुछ इस टाइप का एंड हम इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं एंड इसके साइज़ को हम छोटा सिंपली से जिधर आप रखना चाहो, जैसे इधर रखना चाहते हो आप किधर भी रखना चाहो एंड सिंपली से आपको इस तरीके से थोड़ा सा माइनस कर देना है एंड करने के बाद आपको सही पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर आपका ये फोटो एक्सपोर्ट हो जाएगा विद PNG के साथ। सो गाइस, ट्रिक नंबर 5 एंड लास्ट ट्रिक है हमारी कलर पिकर। मतलब कभी कभी हमें पता नहीं चल पाता है कि यार हमारे फोटो में किस जगह पर कौन सा कलर है, या सिंपली से हम मिक्स वाले टूल्स पर जाते हैं एंड यहाँ पर हम एडिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं बट हम मानते हैं यार हमें इस वाले बैकग्राउंड को कलर करना है बट हम पता नहीं चल पाता है यार ये पिंक कलर है या ब्लू कलर है या फिर ये ग्रीन कलर, तो यहाँ पर हमारा ऑटो पिकर भी होता है। यहाँ पर सिंपली से आपको यहाँ पर ये ऑटो पिकर का ऑप्शन क्लिक आ रहा है। यहाँ पर मुझे पता है आप इसे जब भी आते होगे इधर इग्नोर ही कर देते होगे बट ये बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पहले यू पर आप मतलब किस कलर का यू चेंज करना चाहते हो, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनस एंड सिंपली से पहले मैं यहाँ का यू चेंज करना चाहता हूँ। तो जैसे आप इस मान लो हम ये कलर चेंज करना चाहते हैं ऊपर, तो ऊपर वाले कलर पर
ऐसे क्लिक करोगे एंड इधर को अगर आप नीचे करोगे तो इसका यू माइनस में जाएगा एंड ऊपर करोगे तो इसका यू प्लस में जाएगा। मतलब यहाँ पर इन्हें डिटेक्ट कर लिए कि यहाँ पर हमारे दो कलर हैं, एक तो ब्लू एंड एक ग्रीन। एंड यहाँ पर हम देखें यहाँ पर हमारी एक स्किन का कलर आता है एंड एक येलो कलर आता है, तो यहाँ पर हम इसे छेड़खानी नहीं करेंगे। बाकी अगर हम अपने टी शर्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर हो जाएगा। एंड अगर आप बात करते हैं सिचुएशन की, सिचुएशन भी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर हम पूरा माइनस करेंगे ये कलर को, कुछ हो जाएगा। एंड मान लो हमारे लिप्स का कलर यार वो हो चुका है, तो लिप्स पर क्लिक करेंगे एंड दोबारा हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इस पर कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। मैं तो आपको एक बताने का तरीका बताया। आपको ल्यूमिनस भी कुछ इस तरीके से आप छेड़ सकते हैं ऊपर नीचे से, हमारे स्किन का कलर ल्यूमिनस को हम छेड़ना चाहते हैं। सो कुछ इस तरीके से आप अपने फोटो में ऑटो कलर को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस यही तो वो लाइटरूम के टॉप 5 सीक्रेट ट्रिक्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड मुझे कमेंट करके बताएं इन सभी पांच ट्रिक्स में से सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रिक आपको कौन से लगे एंड कौन से ट्रिक्स आप अपने नेक्स्ट फोटो एडिटिंग में यूज़ करने वाले हैं। एंड गाइस ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि वी आर वेरी नीड ऑफ सब्सक्राइबर, सभी यूट्यूबर को होती है वो। तो गाइस मिलते हैं आपको ऐसे किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।